की कायाकल्प में जुटी मोदी सरकार। 3E योजना में 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप देने का प्लान। पीएम मोदी ने मुसलमानों के अच्छे दिन के लिए जो प्लान बनाया है वो 7 करोड़ मुसलमान का आज नहीं बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। मोदी सरकार 2 में बड़ा फैसला होने जा रहा है। सरकार ने मदरसों के कायाकल्प का पुराना प्लान बनाया है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खुलासा किया है कि सरकार ने अगले 5 साल में 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप देने की 3E योजना बनाई है। 3E का मतलब है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। इनमें 50% से ज्यादा लड़कियों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार 5 करोड़ से ज्यादा गरीब अल्पसंख्यक वर्गों के गरीब छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे। इसका मतलब साफ है कि पढ़ेंगे बच्चे तो बढ़ेंगे बच्चे। अगर परिवार का एक भी बच्चा पढ़ लिख गया तो समझ लीजिए कि उसके आने वाले कई पीढ़ियों के लिए रास्ता खुलेंगे। मौजूद मदरसों को औपचारिक और मुख्यधार की शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिससे मदरसों के बच्चे भी समाज विकास में योगदान दे सके। जानकारी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत अगले माह में हो जाएगी। आज का अगला समाचार है, पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी सामानों पर लगने वाली शुल्क को लेकर भारत पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि भारत ने बेशक अमेरिकी मोटरसाइकिल पर आय शुल्क घटाकर 50% कर दिया है, लेकिन यह अभी भी बहुत ज्यादा है और हमें यह स्वीकार नहीं है। अमेरिका को अब और बेवकूफ नहीं बना सकते। सोमवार को एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी डॉलर का व्यापार अन्य देशों के साथ घाटे में है। अमेरिका वह बैंक है जिसे हर कोई लूटना चाहता है, लेकिन उनके नेतृत्व में अमेरिका ऐसा देश बन रहा है जिसे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। हम मूर्ख देश नहीं है कि इतना बुरा करे। आप भारत की ओर देखें कि वह मोदी क्या कर चुके हैं। वह एक मोटरसाइकिल पर 100% कर लेते हैं। ट्रंप का इशारा हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की ओर था। वह चाहते हैं कि भारत इस पर लगने वाले आय शुल्क को शून्य कर दे, जहां शुल्क को लेकर ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अजीज दोस्त बताते हुए ट्रंप ने उससे बहुत बातचीत के संदर्भ में कहा कि जब हम हार्ले वहां भेजते हैं तो वह उस पर 100% कर लेते हैं, जबकि वह हमें मोटरसाइकिल भेजते हैं तो हम कोई कर नहीं लेते। एमएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।